हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारे चैनल की रेसिपीज़ भी आपको अच्छी लग रही होगी। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना कुछ भी करना पॉसिबल नहीं था, तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हम आपको निराश नहीं होने देंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए मैंगो डिज़र्ट की रेसिपी लाई हूँ, पर ये फुल्ली इंडियन ट्रेडिशनल स्टाइल में है, जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है और इसको बनाना सबसे आसान है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे आपको फुल फैट मिल्क का ही यूज़ करना है, ये हाफ लीटर फुल फैट मिल्क है। और साथ में 2.5 टेबलस्पून मैंगो पल्प हम लिए हैं और 2 टेबलस्पून ये दही है। तो सबसे पहले हम दूध को बॉईल कर लेंगे। तो दूध को हमें मीडियम फ्लेम में चलाते रहना है जब तक दूध गाढ़ा ना हो जाए। देखिए दूध की क्वांटिटी कितनी कम हो गई है और दूध कितना गाढ़ा हो गया है। तो हम ऐसे ही और थोड़ी देर चलाते रहेंगे। देखिए दूध अब कितना गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें चीनी मिला लेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो, वैसे यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून चीनी का यूज़ किया है। अब हम इसको मिला लेंगे चीनी के साथ। ये डेजर्ट बहुत ही आसानी से बन जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो, और ये खाने में तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट पे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो अब हमें गैस को ऑफ कर देना है और जो हम दही रखे थे उसको हम मिला देंगे इसमें। और हाँ, ये मीठा दही है, इस डेजर्ट के लिए हमें मीठे दही का ही यूज़ करना है। दही को हमें अच्छे से मिला लेना है और इसके बाद हम सर्विंग प्रोसेस में जाएंगे। देखिए सर्विंग प्रोसेस में हम लेयर बाय लेयर सर्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम मैंगो पल्प डालेंगे और उसके बाद जो हम खीर बनाए थे उसको हम इस पे डाल देंगे इसके ऊपर। और इसके बाद हम फिर से मैंगो पल्प डालेंगे टॉप पे और इसको फ्रिज में रख देंगे करीब 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और इसको ठंडा ठंडा ही सर्व कीजिएगा, ये ठंडा ही अच्छा लगता है खाने में। तो आज की इतनी आसान रेसिपी आपको कैसी लगी, आप ज़रूर हमें बताइएगा कॉमेंट पर। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे तो हम कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए हर तरह की रेसिपीज़ लाने की, चाहे वो इजी रेसिपीज़ हो चाहे डिफरेंट रेसिपी हो। तो आपको अगर हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट डे और एक न्यू रेसिपीज़ के साथ।